दोस्तों स्वागत है आज आप सभी का हमारे टेक्निकल जय गुरु जी के फ्रेश एपिसोड में। जैसा हमेशा के लिए कहता हूँ ना यार, जो नो रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी। और क्या कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो नो रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलरेडी मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यार कुछ ही टाइम की बात है, हालांकि ये फूलों को मिलेगा बहुत जल्द, जैसे ही मेला लगता है यार देवबंद के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो मेला है ना यहीं पर लगेगा, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है साहब। आप शायद से आए नहीं आए, लेकिन हम आपको घुमा देंगे देवबंद के मेले के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आज फटाफट से वीडियो करना है, लाइक वीडियो कर दी शेयर, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं है भाई साहब, कि हम ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं डेली, हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट खींच के बाहर। तो बिना किसी देर के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रेडमी, नहीं भाई साहब आज रेडमी नहीं, Xiaomi की तरफ से अपडेट आता है। तो Xiaomi का क्या कहना दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, और कहने को बहुत कुछ है यार। इंडिया के अंदर आएगा नहीं आएगा ये भी कंफर्मेशन नहीं है, हालांकि चांस बहुत कम है, लेकिन जो मोबाइल है ना वो है Mi 9X। ये काफ़ी ज़बरदस्त मोबाइल है, और मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि दोस्तों ये Redmi Note 7 Pro का किलर ही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, Redmi Note 7 Pro का किलर है। इसके बारे में इसके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, फीचर्स क्या है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो को। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल डिस्प्ले की, जो 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल ज़बरदस्त डिस्प्ले होने वाला है, HD रेजोल्यूशन के साथ में आएगा, और साथ में एस्पेक्ट रेशो 19:5:9 का होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, अभी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर की, प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट ही मिलेगा, जो रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर मिला था। लेकिन यार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जैसे कि डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, ऑलरेडी बता चुके हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट। और बात करते हैं इसके बाद 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलेगा, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, कंपास, गाइडोस्कोप, ऑल सेंसर मिलेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है। और दोस्तों यहाँ पर जो बात निकल के आती है ना यार, वो आती है कैमरा से। तो 32 मेगापिक्सल का एक और पंच निकल के आया है बाहर, और डॉट ड्रॉप के नोच में साथ में आएगा यार ये 6.4 के। तो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त बात होगी दोस्तों ये इस मोबाइल को इस प्राइस रेंज में लेकर आने की, क्योंकि दोस्तों यार डॉट ड्रॉप नोच और 675 चिपसेट, 48 मेगापिक्सल कैमरा जो रियर में मिलेगा आपको, जिसका अपर्चर 1.7 होगा। और भाई साहब इसके बाद आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेंसर जो करता है अल्ट्रा वाइड 120 डिग्री पे, तो वह अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा सेंसर आता है भाई साहब 8 मेगापिक्सल का, जो डेप 2x ऑप्टिकल जूम इसे काम करेगा, यानी कि कुल मिला के 48+13+8 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ये अपने आप में काफ़ी बात है अच्छी दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अब ओवरऑल इसके UI को लेकर, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड पाई पे आएगा, तो देखने को काफ़ी ज़बरदस्त है Mi 10। लेकिन यार निराश हूँ हल्का सा, लेकिन आप काम चला सकते हैं Mi 10 ठीक ठाक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके बैटरी को लेकर, 3300 mAh की बैटरी आती है, तो वो अपने आप में ठीक ठाक है, लेकिन 4000 की होती तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता था। बात करते हैं जैसे चार्जिंग की, तो वो फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट में आएगा, और 18 वोट का ही चार्जिंग मिलेगा USB Type-C पोर्ट के साथ में, तो वो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और सेल्फी मैंने बताई दिया 32 मेगापिक्सल का F2.0 के साथ में, और जो दोस्त है यहाँ पर रियर में मैंने बताई दिया कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और साथ में सोनी वाला, फिर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और साथ में या 8 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम। ऐसा मोबाइल भाई इंडिया में भी ले आया करो, चाइना के लिए इतना काम करते हो। और ये फंस गया है भाई साहब वीवो नाम की साइट पे, जहाँ पे पकड़ लिया है ऐसे करके। अच्छा जी, वहाँ पे ये मिला है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों ओवरऑल। वैसे आप बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे चैनल पर नहीं बना यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, सर्च करते हैं फिर आपके लिए आते हैं। तो देखते हैं अभी इंडिया के अंदर कब तक आता है। और बात करें इसके वेरिएंट की, रैम मैनेजमेंट को लेकर, तो वहाँ पर हम बात करते हैं 6GB+64GB जो पहला वेरिएंट होगा बेस वेरिएंट, उसकी कीमत बनती है भाई साहब इंडिया को कन्वर्ट करें तो 17,000 को,
तो यार इसका कंप्यूटर एक ये ओप्पो K1 और दूसरा शायद से अंडर 20,000 होगा। तो यार इंडिया के अंदर आना चाहिए ऐसा मोबाइल। मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ ये मोबाइल, जैसे ही आता है कुछ भी मिलता है इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। डिटेल तो हम आपको दे चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को क्या करना है, वीडियो करना लाइक, वीडियो कर दी शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अंटिल हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सी यू, बाय बाय।